नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज, मैं हूं अंकिता सिंह। लगातार शिक्षा मंत्री अपने विवादों को लेकर के सुर्खियों में रहते हैं। ऐसे में जातीय जनगणना से सबसे बड़ा विवाद तब बढ़ गया जब शिक्षक बहाली वाले जो अभ्यर्थी हैं सातवें चरण की बहाली न करके ये लोग शिक्षकों को जातीय जनगणना में लगा दिया। ऐसे हमारे पीछे तस्वीरों में जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं सारे स्टेट के अभ्यर्थी हैं और पास आउट है। ऐसे में इनसे हम जानते हैं कि आप लोग का मुद्दा क्या है। मुद्दा क्या, रोजगार मुद्दा और क्या मुद्दा है, क्या चाह रहे हैं, नौकरी मिले और क्या चाह रहे हैं। 10 लाख का वादा कहाँ गया, 10 लाख नौकरी देने वाले थे। शिक्षा मंत्री से क्या है आपका? शिक्षा मंत्री से ये कहना है कि जाति जनगणना जो हो रही है तो इसमें कैटेगरी का, जैसे जनरल कैटेगरी है, BC2 है, हम लोग BC2 में आ रहे हैं और हम लोग लाभ नहीं मिल रही है। EBC में जो EBC जो मतलब मंडल था EBC, वो उसमें वो तेली समुदाय का किया है, हम लोग जो है अकेले हो गए। हम लोग को जाति का जो है लाभ नहीं मिल पा रहा है, हम लोग विखंडन हो रहे हैं। एक बेरोजगार होकर डिग्री लेने के बाद भी कुछ भी नहीं मिल रहा है। सरकार से ये कहना है कि जाति जनगणना कर रहे हैं, ठीक है कि BC2 पिछड़े पर भी ध्यान देते हुए भी कि जाति को जो है कोटा बढ़ाया जाए ताकि नवयुवक जितने भी हैं सबको नौकरी मिल सके। क्या मुद्दा है आप लोग का? जी, मुद्दा ये विगत 3 सालों से चल रही है। हम लोग स्टेट 19 पास मेरिट स्टूडेंट हैं और हम लोग को रोड पे भटकने के लिए शिक्षा मंत्री मजबूर कर रही है। हम लोग को नियमावली नहीं दे रही है। किस महाराज किस लेवल पे आप बहाल करिएगा, जल्दी से जल्दी बहाल करके हम लोग को बहाल करें। कितना दिन भटकते रहेंगे, 3 साल तक भटक रहे हैं। अब तो जो सरकार जल्दी सुने, हम लोग को रोजगार दे, हम लोग को स्कूल में रहना चाहिए। तो आज देखिए गांधी कारगिल चौक पर खड़े हुए हैं, बताइए, यही हम लोग का मुद्दा है। 2019 का बहाली नहीं हुआ और कॉमर्स का लिया जा रहा है, फिर से पढ़ गया लिया जा रहा है ना। 2019 में जो हम लोग पास किए उसका अभी तक बहाली नहीं हुआ है और कॉमर्स का फिर निकाला जा रहा है, क्या हो रहा है? स्टेट 23 पर भी खतरे पे पड़ा हुआ है, अभी स्टेट 23 लेने वाला है, उसमें सारा विषय को लेने जा रही है सरकार। ये बहाली नहीं सरकार करवाई और नया बहाली के लिए नोटिफिकेशन देने जा रही है। पहले हम लोग के स्कूल में तो पहुँचा है ना, उसके बाद नया नोटिफिकेशन आप निकालिए ना, आपके रोके है हुए है कोई? बस यही कहना था शिक्षा मंत्री। हमारे साथ आप लोग फिर से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मुद्दा है आप लोग का? हम लोग का मुद्दा है कि 4 साल से हम लोग सड़क पे भटक रहे हैं। ST19 अभ्यर्थी है, न नियमावली ला रहे हैं, न बहाली खोल रहे हैं और अनर्गल बयान देते, पते नहीं चलता कि शिक्षा मंत्री है कि चपरासी है कि क्या है। वो धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं, देश में दंगा करवाना चाहते हैं और बिहार में दंगा होगा। बिहार का युवा सभी पढ़ा लिखा हुआ है, वो चाहते हैं कि मुद्दा भटक जाए, शिक्षक की मुद्दा नहीं रहे, मुद्दा को भटकाना चाहते हैं। इसलिए हम लोग उनका आज पुतला दहन किए हैं। और सबसे पहली बात, वो शिक्षक को स्कूल में भेजे। धर्म की चर्चा, सब धर्म को हम मानते हैं, लेकिन धर्म पर मुद्दा करके आप शिक्षक अभ्यर्थी को भटकाना चाहते हैं, कोई नहीं भटकेगा। हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी हैं, ST19 4 साल से बैठे हुए हैं मैडम, लेकिन हम लोग को स्कूल पर रहना चाहिए, लेकिन हम लोग यहाँ पे सड़क पे हैं। इसलिए हम लोग उनका पुतला दहन किए हैं कि वो होश में आइए, अगर उनको नहीं समझ में आता है तो होश में आइए, इस्तीफा दे और सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और एक और मैडम, जो बिहार का मुखिया है, जातिगत जनगणना करवा रहे हैं, उससे पहले क्या शिक्षक की जरूरी है कि जनगणना की जरूरी है? हम चाहते हैं कि विद्यालय में, स्कूल में शिक्षक चाहिए, ना कि जातिगत जनगणना टाइम पे हो। इसलिए हम लोग विरोध प्रदर्शन किए हैं, आज शिक्षा मंत्री जी का पुतला फूके हैं। आप लोग की सुनवाई अगर नहीं होती है तो क्या करेंगे आगे का आप लोग का रवैया क्या होगा? हम लोग राज्यपाल भवन जाएंगे, राज्यपाल जी महोदय का ज्ञापन सौंपेंगे और पूरी बात को रखेंगे कि बिहार में शिक्षक की घोर कमी है और सब जान रहे हैं कि हमारा बिहार शिक्षा के स्तर पर कितना नीचे है। और फिर भी इनको सबसे पहले समय पर जातिगत जनगणना चाहिए, न कि शिक्षक अभ्यर्थी चाहिए। कब तक चलेगा ये? देखिए, हम लोग की मांग जब तक नहीं मानती है सरकार तब तक ये मुद्दा चलेगा ही। और दूसरी बात कि बिहार में भी जरूरत है शिक्षक की,
बिहार में विद्यालय में भी बिहार के विद्यालय में भी शिक्षक नहीं है, लेकिन सरकार मुद्दा भटकाने के लिए लोग रोजगार ना मांगे, लोग जो है कि मुद्दा से भटक जाए, इसलिए रोज रोज धर्म के आधार पर जाति के आधार पर सरकार बांटने का प्रयास कर रही है, जो कि हम लोग अच्छी तरह भलीभांति समझ रहे हैं। तो हम लोग भटकने वाले नहीं है, हम लोग का जो मुद्दा है कि बिहार के जो व्यवस्था है शिक्षा व्यवस्था उसको सुधारे और बिहार में रोजगार दे, यही हम लोग की मांग है। तो आप स्टेट अभ्यर्थी जो है इनका आक्रोश साफ तौर पर देख सकते हैं, इन लोगों को जातीय जनगणना से ज्यादा जरूरी है कि ये लोग की बहाली कर दी जाए, इसको लेकर के लगातार शिक्षा मंत्री पर हमलावर है। आज इसी को लेकर के ये लोग शिक्षा मंत्री का पुतला का दहन भी किया है। फिलहाल के लिए इतना है, बने रहे कशिश न्यूज के साथ।